नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं पूजा में जो पवित्री धारण करते हैं उसका क्या है महत्व, क्यों वह विशेष अनिवार्य होती है, इसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। देखिए, कुश क्या है? कुश के विषय में तो आप जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु के रोम कहे गए हैं। भगवान विष्णु के रोम कहे गए हैं वाराह अवतार में, जब वो पृथ्वी को जो हिरण्याक्ष का वध करके जब पृथ्वी को ऊपर लाए थे, तो वाराह अवतार में जो उनने अपने शरीर को झाड़ा था, जैसे कोई व्यक्ति या कोई पशु स्नान करता है और वह स्नान मतलब जब जल में प्रवेश करता है, जल से बाहर निकलता है, तो शरीर को बड़ी उससे जो है वो झाड़ता है कि जो जल है वो निकल जाए। उसी प्रकार भगवान विष्णु जब पृथ्वी को लेकर के वहाँ से आए और उनने अपने शरीर को झाड़ा, तो उनके शरीर से ही जो जल गिरा उससे कुश की उत्पत्ति हुई। तो भगवान विष्णु का कुश को जो है रोम की पदवी दी गई है और उनके शरीर से ही उत्पन्न यह कुश है। अब बात आती है कि पूजा में पवित्री का क्यों महत्व है, क्योंकि पवित्री का आप जो धारण करते हैं इस उंगली में करते हैं। यह उंगली एक तो पांचों जो उंगलियां हैं हमारी उसमें सबसे पवित्र यह उंगली होती है, और इस उंगली में जब आप पवित्री धारण करते हैं, यदि मान लीजिए पवित्री नहीं है आपके पास, तो स्वर्ण मुद्रिका वगैरह जो भी सोने की अंगूठी वगैरह है तो वो धारण कर सकते हैं, वही विशेष पवित्र होती है। पहले के टाइम पे स्वर्ण का अभाव रहता था उस टाइम पे, तो कुश का जो है विशेष महत्व है, और कुश हरेक पूजा में विशेष महत्वपूर्ण होता है। और पवित्री कभी अशुद्ध नहीं होती है, यदि आप उसको जैसे श्राद्ध आदि कर्म है, तेरहवीं आदि के किसी आप कर्मकांड में ले जाते हैं तो अशुद्ध हो जाती है, वैसे नॉर्मली पूजा में वह अशुद्ध नहीं होती। तो पवित्री को जब आप धारण करते हैं उस वक्त यदि आपका हाथ शरीर के किसी अन्य अंगों में स्पर्श होता है तो हाथ अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि पवित्री उसमें स्पर्श रहती है, और पवित्री अपने आप में विशेष ही पवित्र होती है। जो हमारे षड कर्म होते हैं जिसको खड़ंग न्यास कहते हैं, पवित्रीकरण यानी अपने आप को शुद्ध करना, त्रिराग क्षम्या आचमन करना, इसके बाद आपका पवित्री धारण, प्राणायाम, शिखाबंधन, तिलक धारण, ये जो आपके षड कर्म हैं, इसके बाद आप जो है खड कर्म कहते हैं, इसके बाद आप जो है पवित्र होते हैं। तो पवित्रीकरण जो अपन करते हैं उसका नाम है पवित्री, उससे विशेष पवित्रता आती है। जैसे आप मंत्र बोलते हैं ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, लास्ट में आप क्या बोलते हैं, यह स्मरेत पुंडरी काक्ष बाह्याभ्यंतरा सुचि, वैसे नॉर्मली मंत्र बोलते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबायाभ्यंतरा सुचि। तो उसका तात्पर्य आपका ये होता है कि हे पुंडरी काक्ष भगवान केशव भगवान विष्णु, मैं अशुद्ध हूँ या मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ यह मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन आपके नाम को जो मैं स्मरण कर रहा हूँ उससे मैं बाह्याभ्यंतरा सुचि अंदर और बाहर से पवित्र हो जाऊँ, ऐसी मुझ पे आप कृपा रखें। तो उसके बाद आपका जो आता है तिलक धारण शिखाबंधन पवित्रीकरण, तो जो पवित्रीकरण होता है बाकायदे उसका मंत्र है ओम पवित्र स्तौ वैष्णवियो सावितुर्वाह प्रसव उपोना मिक्षधारेण पवित्रेण, तो यह उसका मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आप पवित्रीकरण को धारण करें। पवित्री धारण करने से नकारात्मक जो वातावरण आपकी पूजा में किसी प्रकार का आएगा वह नष्ट हो जाएगा, सकारात्मक वातावरण होगा वहाँ से नकारात्मक वातावरण पूरी तरह से नष्ट होगा। पवित्री आपको पूर्णतः पवित्र रखती है, और आप जो भी पुण्य कर रहे हो, कदाचित आपका हाथ कहीं किसी स्थान पर भी स्पर्श होता है तो वह पुण्य आपका छीन नहीं होता है, वह पुण्य आपको परिपूर्ण प्राप्त होता है, इसी उसमें जो है पवित्री धारण किया जाता है। और पवित्री प्रयास करें कि दोनों उंगलियों में धारण करें, इसमें बाकायदे जो मैंने उसका मंत्र बताया बोल करके, और उसके साथ साथ यदि मान लीजिए कि ये नहीं आपका कुछ भी होना चाहिए साथ में, और यदि पवित्रीकरण दो नहीं है तो एक हाथ में तो निश्चित रूप से धारण करना चाहिए आपको, जिस आप हाथ से हर सामग्री को भगवान को अर्पण करते हैं।
तो वह आपका दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ की इस उंगली में आप पवित्री को धारण करें और फिर पूजन करें तो उसका अपना एक विशेष महत्व है। मंत्र मैंने पवित्री धारण का बता दिया है, पावित्रे स्तौ वैष्णवियो सावितुर्बाहा प्रसवा उत्वना मिक्षद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्यक्षामा पुने तक्षाकेयम्मा। तो यह पवित्री धारण का आपका मंत्र है। इस तरह से आप पवित्री को धारण करें, निश्चित रूप से आप जो भी पूजा करेंगे उस पूजा का परिपूर्ण फल प्राप्त होगा। सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और नकारात्मक वातावरण के लिए यह पवित्रीकरण आपके आसपास के वातावरण को नष्ट करेगी जो नकारात्मक होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।